जैपनीज माइथोलॉजी में सैमुराई को वॉरियर्स ऑफ हिस्टोरिकल जापान की तरह देखा जाता है, जो कि फ्यूडल लॉर्ड्स के अनडाइंग लॉयल सबॉर्डिनेट्स थे। इन जापान सैमुराई वॉरियर्स के आइडल इमेज थे, जो एक वॉरियर की सभी बेस्ट क्वालिटीज को दिखाते थे, जैसे कि मॉरेलिटी, करेज, रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी। आज हम इन्हीं जैपनीज सैमुराइज को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर फर्स्ट, ओडा नोबुनागा। जैपनीज हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर होने के कारण ओडा नोबुनागा एक टैलेंटेड लीडर भी था, जिसने यूनिफिकेशन ऑफ जापान के लिए फाउंडेशन तैयार की बाय एंडिंग द लॉन्ग पीरियड ऑफ वॉर अक्रॉस द कंट्री, जिसमें उसके दो हायर टोयोटोमी हाइडियोशी और तोकुगावा लियासु ने उसकी मदद की। ही वॉज अ फेमस फॉर द बैटल ऑफ ओकिहाजामा, जहां उसकी टेरिटरी को इन्वेड किया गया। नंबर टू, टोयोटोमी हाइडियोशी। टोयोटोमी हाइडियोशी बिकम अ स्टैंड आउट मिलिट्री ऑफिसर विद द हेल्प ऑफ माइटी लॉर्ड लियासु हाइडियोशी कंक्वर्ड कांतो एरिया डिस्ट्रिक्ट्स इन 1590। उस समय उसका इन्फ्लुएंस इतना सिग्निफिकेंट था कि काउंसिल ऑफ फाइव एल्डर्स ने इसे सीक्रेट रखना डिसाइड किया, ताकि इसे मिलिट्री अफेक्ट ना हो। हाउएवर, एक महीने बाद उन्होंने विड्रॉल अनाउंस कर दिया। नंबर थ्री, तोकुगावा लियासु। तोकुगावा लियासु हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट फेमस जैपनीज वॉरियर था। आफ्टर द क्रिटिकल बैटल ऑफ सेगिकारा इन 1600, तोकुगावा लियासु बिकम द फाउंडर एंड द फर्स्ट शोगुन ऑफ तोकुगावा शोगुनेट इन 1603। तोकुगावा ने एडो की कंस्ट्रक्शन इनटू बसलिंग टाउन और पोर्ट फुल ऑफ आर्टिसंस, मर्चेंट्स एंड लेबरर को बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। ओडा नोबुनागा, टोयोटोमी हाइडियोशी और लियासु तीनों को द थ्री ग्रेट यूनिफायर्स ऑफ जापान के नाम से भी जाना जाता है। नंबर फोर, मियामोटो मुशाशी। मियामोटो मुशाशी एक मास्टर स्पोर्ट्समैन, मार्शल, फिलोसोफर और रोनिन था, जो कि अपनी फेमस परफेक्ट एंड यूनिक ट्विन स्पोर्ट्समैनशिप के कारण फेमस हुआ और अपनी अनबीटन रिकॉर्ड ऑफ 61 ड्यूल्स के लिए भी। उसने स्पोर्ट्समैनशिप के नाम पर हयोहो नितेन इची रियू नाम का स्कूल भी खोला। मुशाशी एक फेमस स्पोर्ट्समैन होने के साथ साथ द बुक ऑफ फाइव रिंग्स और डोकोडो नाम की बुक्स का राइटर भी था। नंबर फाइव, हथौड़ी हांजो। हथौड़ी हांजो ना सिर्फ वन ऑफ द मोस्ट फेमस जैपनीज वॉरियर्स में से एक था, बल्कि एक फेमस सेनगोकु निंजा भी था। लोग हांजो को तोकुगावा लियासु की जापान को यूनिफाई करने के क्वेस्ट के लिए जानते हैं, जिसके बहुत से निकनेम्स थे। द मोस्ट फेमस इज हांजो द गोस्ट और डेविल हांजो। ये सारे नाम उसकी मिस्टीरियस सुपरनेचुरल एबिलिटीज के कारण ऑरिजिनेट हुए। हिस्टोरियंस हांजो को मिस्टिकल आर्ट ऑफ निंजुत्सु, एस्पियोनेज, सैबोटेज, कैमोफ्लॉग और डिसिप्शन जैसी एबिलिटीज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से अधिक तो मिसिंग है। नंबर सिक्स, उसुगी केंशिन। उसुगी केंशिन नगाओ क्लैन का फ्रंटमैन और लीडिंग फोर्स था, जिसे एडिशनली ड्रैगन ऑफ इचिको के नाम से जाना जाता था। तागेड़ा शिनगैन उसका लॉन्ग टाइम राइवल और ओपोनेंट था, जो बहुत बार एक दूसरे के आमने सामने हुए, बट हर बार उसुगी केंशिन की जीत हुई। एक अच्छा वॉरियर होने के साथ साथ वो एक फेयर एडमिनिस्ट्रेटर भी था, जो कि ओडा नोबुनागा की पॉलिसी से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता था। अनफॉर्चुनेटली लोग आज भी उसकी डेथ की स्टोरी को नहीं जान पाए। नंबर सेवन, डेट मासामुने। डेट को अपनी लास्ट राइट आईसाइट के कारण हमेशा से ही सेंसे ऑफ इनफेरियोरिटी थी, जिसके कारण उसने हार्ड ट्रेनिंग से खुद को पोटेंट फाइटर में चेंज कर दिया। वो एक रूथलेस फाइटर था, जो मर्सी और फॉरगिवनेस जैसे कंसेप्ट में बिलीव ही नहीं करता था, इसलिए लेटर ऑन वो अपने क्लैन का फेथफुल लीडर बनकर उभरा, जिसने बाद में टोयोटोमी हाइडियोशी और तोकुगावा लियासु के साथ मिलकर जापान को यूनिफाई किया।
नंबर 8 तागेड़ा शिनगैन द टाइगर ऑफ काई ने ओडा नोबुनागा को ओवरहर्ड किया। उसने उसुगी केंशिन जैसे ग्रेट सैमुराई फाइटर का फोर्थ बैटल ऑफ कागानागाजीमा में सामना किया। वैसे तो वो एक माइटी वॉरियर था बट उसने थ्रू आउट हिज लाइफ पोइट्री लिखी। तागेड़ा की डेथ 1573 में हुई बट उसकी डेथ का रीजन अभी तक क्लैरिफाई नहीं है। नंबर 9 होंडा टाडाकात्सु। होंडा टाडाकात्सु को बैटल ऑफ सेगीकारा से द ड्रैगन कटर का नाम मिला जिसने जापान की हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। होंडा एक फियर वॉरियर था जिसने रिलेंटलेसली बहुत सी वॉर्स को लड़ा। टाडाकात्सु को फोर हेवनली किंग्स ऑफ तोकुगावा में से एक माना जाता था। और नंबर 10 शिमाजु योशिहिशा। शिमाज योशिहिशा की रूट्स सात सुमा प्रोविंस से जुड़ी हुई थी जो कि कयूशु की यूनिफिकेशन में एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट बना। सेनगोकु पीरियड के दौरान उसने वॉर से बहुत से पॉपुलर रिवॉर्ड्स को अर्न किया जिससे उसे ग्रेट पॉपुलैरिटी हासिल हुई जिसे फाइनली टोयोटोमी हाइडियोशी ने डिफीट किया। तो दोस्तों ये थे जापान की हिस्ट्री के टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर सैमुराइज। आपको इनमें से सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।